अरे तुम फोन करो। आज हमारे संतों ने बताओ महासचिव जी यहाँ और मैं डॉक्टर अशोक कुमार अज्ञानी जी को जिन्होंने कहा जो ईश्वर वाल्मीकि दयावान जी जिनके द्वारा आदि धर्म जुगों जुगों से स्थापित है उस धर्म की उस आदि धर्म की मान्यता लेने के लिए हमें किसी सरकार की आवश्यकता नहीं है। वो इजाजत तो ईश्वर वाल्मीकि दयावान जी ने आदि धर्म बना करके हमें आदि काल आदि युग में दे दी है। मैं आज यहाँ इस मंच पे विराजमान महामंडलेश्वर जो भारत भर के संत आए हैं और डॉक्टर अशोक अज्ञानी जी जिनके पास आज संतों और डॉक्टरों की और इंजीनियरों की और एडवोकेट की फौज है। मैं समझता हूं कि फरवरी 2020 में इन संतों महापुरुषों के आशीर्वाद से अनार्या महापुरुषों के अनार्य समाजियों के सहयोग से ये दिल्ली में चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री अवश्य बनेंगे। आज हमारा दुख एक बात को लेकर ही नहीं है, हम ही खुद अपने मंचों से अपने आप को दलित कहते हैं। न जाने क्यों ये दलित शब्द हम कहना छोड़ेंगे। हम दलित नहीं हैं, दलित हमें कहा गया था। उस दलित दिए हुए शब्द को मनुवादियों ने आरएसएस के लोगों ने हिंदू धर्म ने हम पर थोपा था। हिंदू धर्म के दिए हुए बहुत सारी चीजें आप भुला चुके हैं छोड़ चुके हैं, फिर ये दलित शब्द कब तक अपने सर पर ढोते रहोगे कि आप दलित हैं। डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, आईएएस है, पीसीएस है और राजनीतिक पार्टियों में हमारे अपने स्वराज जीवन जी और यहाँ सीमा देवी बहादुर जी जो कालका से आई हैं और ऐसी ऐसी हमारे मंच पे विराजमान हैं हमारी आदमीय गुरु माता भवानी महंत जी। आज हर फील्ड में आप आगे हैं। मैं जिक्र कर रहा हूँ सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान ईश्वर वाल्मीकि दयावान जी की रामायण का। रामायण में रामायण का जो शाही का जो रंग था वो आसमानी था। अगर ईश्वर वाल्मीकि दयावान जी ने पवन वाल्मीकि तीर्थ अमृतसर में विश्व अनार्य समाजियों का अनार्य महापुरुषों का ही नहीं विश्व के महा मानव का अगर भविष्य निर्माण किया उस रामायण में जिसे हम राजा राम कहते हैं उसका भी भविष्य निर्माण आसमानी शाही से किया है, इसलिए आसमानी रंग जहरीला नहीं है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।